एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पैशन टीचिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। कल हमने पॉलिनोमियल्स को फुल डिटेल्स में समझा था और एक्सरसाइज 2.1 आपने कर ली थी, सो वो आप वीडियो देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट। आपको बोला है जीरोस फाइंड आउट करना, तो आपको आता है, ठीक है? वो मैं आपको फिर से डिटेल में बता दूंगी। तो आपको बोला है कि जीरोस फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है आपने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो वो रिलेशनशिप है क्या? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यू नो, क्योंकि इसमें डिग्री जो होती है आपकी वो 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है? अब हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो कल हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आर 2, क्योंकि वो ग्राफ को 2 जगह कट करते हैं, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वो होते हैं वो 2 ही आते हैं। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 होते हैं। तो मान लो अल्फा और बीटा, ये अल्फा है आपका, ये बीटा है, ये आपके 2 जीरोज हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, ठीक है? तो अगर हम इन दोनों जीरोज को, जो जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे उनको प्लस करें तो वो इसके बराबर आएंगी। नो बट इज माइनस बी, वी इज हेयर, यहाँ से हम वी लेंगे, ये वी यहाँ पे हम लिखेंगे, जो भी यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे वी होगा, माइनस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है आपके पास, और ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक सिंपल फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, ऐसे मैंने लिए कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस फॉर्मूले में कोफिशियंट ऑफ एक्स इज वाई वी एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज ए, ठीक है? वही लिखा है। और अगर हम इन दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपके पास आएगा सी अपॉन ए, सी इज योर कॉन्स्टेंट टर्म और ए इज योर कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशियंट्स, ठीक है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई तो। अगर मान लो आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है आपकी पॉलिनोमियल की वो 3 होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम इनको प्लस करते हैं इनके जीरोस को, यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोस लिए हैं क्योंकि 3 इसकी हाईएस्ट जीरोस आ सकते हैं, सो वो आता है माइनस बी अपॉन ए, वी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। और अगर हम इनको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करें तो वो सी अपॉन ए के बराबर आता है, सी इज हेयर कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है? और अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो वो आएगा माइनस डी, डी इज हेयर कॉन्स्टेंट टर्म और ए इज हेयर कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ दिस इज अवर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्टली हम अभी इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो इनके जो आप जीरोज फाइंड आउट करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें, आपने पहले भी पढ़ा है 8th में 9th में, फिर भी आपको मैं एक बार फिर रिपीट करवा रही हूँ कि क्या करते हैं हम, जो मिडल टर्म होती है उसको कुछ ऐसे स्प्लिट करते हैं जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम कुछ रफ वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्टली हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आपने इसको, इसके कोफिशियंट को और इसके कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 8 ही है, यहाँ पे 1 है, तो 8 × 1 इज इक्वल टू 8। अब हमने मिडल टर्म को लिखना है कुछ ऐसे फॉर्म में कि उनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा, और अगर प्लस या माइनस करोगे तो -2x आएगा, ठीक है? अब 8 कैसे कैसे आ सकता है, अब 8 या तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 करो, तो अगर 8 में से -1 कर रहे हो तो 7 आ रहा है, +1 कर रहे हो तो 9 आ रहा है, तो 2 तो आ नहीं रहा। और हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं 8, ठीक है? अगर मैं 4 में से -2 कर रही हूँ तब तो आपके पास 2x आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो फैक्टर, एक ये, इन दोनों में हम इनको स्प्लिट करेंगे इस फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म को, ठीक है? एक्स स्क्वेयर 4x 2x -8, ठीक है? अब हमने स्प्लिट कर दी, अब हमें माइनस प्लस भी देखना है, मेनली यहाँ पे था -8, तो इसको यहाँ पे -8 ही चाहिए प्रोडक्ट में। तो
तो ये तो 4 के साथ माइनस होगा, ये तो 2 के साथ माइनस होगा। अगर हम 4 के साथ माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो -4 + 2 दैट इज इक्वल टू -2, यही हमारी मिडिल टर्म है। अगर बाई चांस हम 4 की जगह 2 के साथ माइनस लगाते तो मल्टीप्लाई करके, तो अगर 4 - 2 आप मल्टीप्लाई करो तो आएगा तो -8, लेकिन अगर आप इनको 4 - 2 करते तो 2 आ जाता। यहाँ पे हमें चाहिए -2x, ठीक है, तो यानी कि 4 के साथ माइनस लगेगा और इसके साथ प्लस लगेगा। आप देख सकते हो 4 * 2 दैट इज -8x2, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी -8x2, और इनको अगर हम बीच में सॉल्व करते हैं तो -2x आएगा। ऐसे हम इनके फैक्टर करेंगे। अब इनमें से हमने कॉमन टर्म निकालनी है बाहर। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है आपके पास x, ठीक है। अब अंदर आपके पास क्या बचा? x हमने निकाल लिया, तो एक x यहाँ अंदर बच गया, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पे 4 बच गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4, 2 * 4 = 8, तो सेम वैसे ही आ जाएगा। तो अब जो अगर हमारे ये दोनों अंदर जो आपके हमने कॉमन लेने के बाद जो अंदर आपके पास फैक्टर बने, अगर ये सेम बनेंगे तो यानी कि आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इनको जो फैक्टर बना इसको लिख देते हैं, और सेकेंड टाइम जो एक्स्ट्रा टर्म बच गई वो लिख देंगे। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हम इनको पुट करेंगे, इफ x - 4 = 0 और x + 2 = 0, देन आपके पास क्या आएगा, x = 4, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, और x = -2। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारे पास जीरोज आ गए, ठीक है। देयर फोर -2 and 4 आर जीरोज ऑफ x² - 2x - 8, ठीक है। अब हमने वेरीफाई क्या करना है, जो हमारे पास रिलेशनशिप मैंने आपको अभी बताया, जो हमने अभी फॉर्मूले में देखा कि जीरोस और कॉफिशेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्टली हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होती हैं? α + β = -v/a, कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ x², ठीक है। ये हमने वेरीफाई करना है। तो अल्फा एक आया आपके पास -2, और बीटा की वैल्यू आई आपके पास 4, ये हमारे पास दो जीरोज आ गई, पुट कर दी हमने। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पहले से वो लिखेंगे। अब वी की वैल्यू देखते हैं क्या है, वी की वैल्यू है -2, ठीक है, और ए की वैल्यू है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है। तो 1, तो इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, और माइनस माइनस प्लस ये 2, हेंस वेरीफाइड, सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गई। आंसर आपका वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही है। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या होता है, α * β = c/a, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ x². कॉन्स्टेंट टर्म है आपके पास -8 डिवाइडेड बाई a दैट इज 1, और इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, हमारे पास है -2 * 4, यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे आया -8, हेंस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विद कॉफिशियंट आर वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे है सेकंड पार्ट में 4s² - 4s + 1, अब इसको भी आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है ताकि उनका प्रोडक्ट जो आए वो 4 आए, और जो उनको या प्लस या माइनस करके आपके पास बीच वाली टर्म ही आए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4s खुद ही आ जाएगा आपके पास, ये आपकी मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। सेम वैसे जैसे प्रोसीजर पीछे किया आपने वैसे ही इसमें है, ठीक है। और अब फिर उसके बाद कॉमन ले लो आप, यहाँ से कॉमन आएगा 2s - 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे और -1 लिख देंगे बाहर। जब आप -1 बाहर लेते हो तो अंदर के जो आपके पास टर्म्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं प्लस और माइनस वो चेंज हो जाते हैं अगर माइनस बाहर लेते हो तो। ये सभी क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पे माइनस जो 2s था वो माइनस का था तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब ये प्लस का था तो यहाँ माइनस हो गया क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2s + 1 ही आएगा, सेम कोई चेंज नहीं आएगा, फिर हमारे फैक्टर सेम आए, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। सो फर्स्ट हमने ये उतार दिया और ये नीचे वैसे लिख दिया, ठीक है।
वैसे ही हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर सम ऑफ जीरो जब आप करते हो तो सम ऑफ जीरो 1/2 + 1/2, यहाँ पे होता है -b/a, -b = -4s, वी की वैल्यू है -4, तो माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो 1 = 1। वैसे ही हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो भी सेम है। अब यहाँ पे आप अगर कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही इसको क्वेश्चन को देखते हैं और हम ऐसे ही इनको प्रोडक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको इसको रीअरेंज करके लिखना है, x^2 फिर 1 फिर 0, कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में, तो हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म को देख के हम करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है आपका प्रोडक्ट 6 3 18, ठीक है। तो 18 बनाने के लिए 9 और 2 चाहिए हमें, माइनस प्लस का आपको देखना पड़ेगा, माइनस, अब यहाँ पे हमें माइनस का सिंबल चाहिए, तो ऑब्वियसली बड़े के साथ 9 आएगा, माइनस आएगा, 9 - 2 आप करोगे तो -7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो वो -18 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इनको यहाँ पे से कॉमन आपके पास 3x आ जाएगा, 2x - 3 अंदर बच जाएगा, यहाँ भी सेम आ रहा है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ पे 1 लिखेंगे आप, 2x - 3 और 3x + 1 इज योर फैक्टर्स, इनको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास एक्स और एक्स की दोनों जीरो फाइंड आउट हो जाएंगी, फिर हम इनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन भी इजी है, ठीक है, अगर आपके बराबर आ रहे हैं तभी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है, 4u² + 8u। अब इसमें जो है आपकी कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, लेकिन हम इसको पहले ही कॉमन निकाल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 4u अगर आप इसमें से कॉमन लो, तो हमें दो ही फैक्टर चाहिए मेनली, हमें u की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 4u = 0, u + 2 = 0, u की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से और u की वैल्यू -2 आ गई। सम ऑफ 0 वैसे ही प्रोसीजर है सेम, इन दोनों को आप प्लस करो, 0 - 2 - 2 एंड -b/a, -b है यहाँ पे 8 और माइनस आपकी फॉर्मूले में है, और यहाँ पे 4 4 से इसको आप डिवाइड करो या -2 आएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। प्रोडक्ट के इसमें भी 0 - -2, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है सो यहाँ पे 0 होगा, सो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। लास्ट वाला फिफ्थ पार्ट है, t² - 15। अब इसको आप अगर √15 लिख दो तो कोई चेंज नहीं आएगा, √15 × स्क्वेयर। अगर आपको ये पता है, जैसे आप √3 मल्टीप्लाई बाय या √3 करते हो तो इनका मल्टीप्लीकेशन 3 के बराबर आता है, ठीक है, तो आप इसको भी वैसे लिख सकते हो 15 को, √15 मल्टीप्लाई बाय √15, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, सो a² - b² इज इक्वल टू a - b * a + v। फिर ये हमारे दो फैक्टर बन गए, t - √15, t + √15, सो इनको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, t की वैल्यू वहां से हमारे पास t = √15 आई और 1 - √15 आई। सम ऑफ जीरोज का वही प्रोसीजर है आपका, जीरोज को आप सम करो, सम किए यहाँ पे, ऑब्वियसली आपके पास v था ही नहीं तो 0 है, तो ये भी 0 ही आया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √15 - √15, दैट इज -15, और कॉन्स्टेंट टर्म सी है आपके पास यहाँ पे तो 1 = 15 ही है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट हो गया। लास्ट पार्ट जो है आपका वो आप खुद करेंगे, दैट इज 3x² - x - 4, वो भी सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब आपको पीछे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उसकी आपने जीरोज फाइंड आउट किया, ठीक है। अब आपके पास उनके रिलेशन दिए हुए हैं जीरोज और कोफिशिएंट के रिस्पेक्टिवली में, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला वाला है आपका वो सम है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट अस अज्यूम ax² + vx + c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड 1/4 एंड -1 इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा आर टू
जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि अल्फा बीटा इसकी दो, ये जो हमने लिखा ये गिवन ही था आपको, दिया हुआ था, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हमने इसकी जनरल फॉर्म लिख दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो है इसका वो टू जीरोज हैं, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस बी कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपके पास दिया क्या हुआ है, आपके पास दिया है सम ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज जो दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 1/4। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 4 आ रही है, वी की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे ये साइड चला जाएगा -1 आ रही है, ये आपकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, इन दोनों की हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज आपके पास दिया हुआ है -1, तो होता क्या है एग्जैक्ट सी अपॉन ए, दैट इज -1। अगर आपको पता है अब इसके नीचे कोई डोनेट नहीं हो तो यानी कि इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से तो आ रहा है कि ए 1 है और सी -1 है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है। हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट जो आना चाहिए आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आना चाहिए वो -1 आना चाहिए। आपके पास ए की वैल्यू 4 है, तो हमें सी की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे आपके पास आए प्रोडक्ट -1। तो अगर मैं सी की वैल्यू -4 कर रही हूँ तो 4 से ये कट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1, तो इसका मतलब सी की वैल्यू -4 इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, देयरफोर ए इज इक्वल टू 4, वी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -4। फिर हमने ये सारी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू हमने जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अज्यूम किया था उसमें हम ये पुट कर देंगे, तो ए की जगह हम लिखेंगे 4 एक्स स्क्वेयर, वी की वैल्यू -1, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स -4, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नाउ हम पार्ट नंबर 5 लेंगे, दैट इज -1/4 एंड 1/4। यहाँ पे इसका ये सम है और ये प्रोडक्ट है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट इट्स रिस्पेक्टिवली। तो एक सिस्टमेटिक बेस से अगर हम स्टार्ट करें, पहले जो हमारे पास सबसे पहले हमें लिखना होता है, तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास दिया है गिवन दैट -1/4 एंड 1/4 आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास दिया होता है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, हमने सबसे पहले वो चीज लिखनी होती है जो हमें दी होती है। सेकंड हमारा स्टेप होता है, हम लिखते हैं कि हमें हमने क्या अज्यूम किया अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। हमने अज्यूम किया कि ये आपके पास जनरल फॉर्म ने अज्यूम कर ली कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा और इसके अल्फा बीटा जो है वो जीरोज आएंगे। तो हम करेंगे सम ऑफ जीरोज, आपको पता है क्या होता है, -b/a, वो हमारे पास दिया गया है, तो इनकी हमें इसको इससे कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है -1/4 से। सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है v इज इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे हो माइनस है तो माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पहले से भी माइनस है, सो माइनस और माइनस कट हो गए। ठीक है, और a की वैल्यू आई आपके पास 4। नाउ अब हम हमें फाइंड आउट करनी है c की वैल्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम वो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज c/a होता है, तो ये 1/4 के बराबर दिया हुआ, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सी इज इक्वल टू 1, ए हमने फिर फाइंड आउट कर लिया, वो दोनों दोनों केसेस में 4 ही आ रहा है, सो ए सी और ये, देयर फोर ए इज इक्वल टू 4, वी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोमियल वी गेट, हमें क्या फाइंड आउट मिलेगा, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे हम वहां पे, दैट इज 4x² प्लस वी की वैल्यू 1, वाली की जरूरत नहीं है, एक्स प्लस 1, हेंस 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज योर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे,
अगर आप फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ आया होगा। हमने आज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप कोफिशियंट्स के साथ देखा। सो कल हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।